ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा के भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है।